मकर संक्रांति का पर्व अब नजदीक है, जिसे लेकर पतंग प्रेमी लोगों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। वैसे मकर संक्रांति के पर्व के नजदीक आते ही बाजारों में पतंग और मांझे की बिक्री शुरू हो जाती है और लोग उत्साह से पतंग और मांझे की खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पिछले साल तो कोरोना के चलते पतंग और मांझे के व्यापारियों का धंधा मंदा रहा था और इस साल भी कोरोना का बढ़ता हुआ कहर देखते हुए अभी तक का धंधा काफी मंदा ही है। इस मामले में जब BRJ न्यूज़ की ओर से पतंग और मांझे के व्यापारी के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई, तब मांझे के व्यापारी ने इस बार की खरीदारी का हाल बताते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, काफ़ी कम असर है, कोरोना का काफ़ी असर है, रेट इंक्रीमेंट हुए उनका थोड़ा असर पड़ गया है, थोड़ा बहुत चल रहा है काम पर, उम्मीद अच्छा चलेगा। साका चलती है, वर्धमंगा चलता है, पांडा चलता है, 51 चलता है, 24 मिनट चलता है, 51 गोल्ड चलता है, चैलेंज चलती है, ग्रिफिन चलती है, सब बहुत चलती है। कपड़े 51 दोनों साल अच्छा था, डिमांड चलता है और पांडा भी। पिछले साल से इस साल धंधा कैसा होगा? धंधा थोड़ा कम है, पिछले साल से इस साल धंधा थोड़ा कम है। आपको आशा है कि अभी और धंधा खुलेगा? हाँ, आशा तो है, ऐसा तो है, बस तो डर भी है माहौल कोरोना के हिसाब से, लोगों को डर लग रहा है कैसा हो क्या होगा, तो डर रहे हैं खाली। और अच्छा इच्छा है कि हमारे बोलते हैं अच्छा हो, सबका अच्छा हो, दस्ता बोलेंगे सबका माल निकल जाए। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRJ न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRJ न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।